हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एक और प्याज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। 18 अक्टूबर दिन शुक्रवार, एमपी इंदौर मंडी। दोस्तों, कॉलिंग के माध्यम से जान लेंगे एमपी इंदौर मंडी से आज क्या कुछ अराइवल रहा एमपी में, कितना हज़ार कट्टा आया जी, क्या कुछ भाव खुला और इस सप्ताह में क्या कुछ भाव चला है, क्या कुछ तेजी मंदी देखने को मिला है, यह सारा जानकारी देंगे इस कॉलिंग के माध्यम से। हेलो सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हो सर? बढ़िया सर जी। आज एमपी इंदौर मंडी में कैसा माहौल बना हुआ था और कितना गाड़ी आया जी आज, और ग्राहकी कैसा रहा? आज इंदौर मंडी में 40-50 हजार कट्टे की अराइवल रही। ठीक है। और बाजार ही समझ लो 30-40 रुपए का रहा। अच्छा, ग्राहकी कैसा सर? माल ग्राहकी ठीक है, माल लगभग सब बिकी जाता है। ओके, अगर क्वालिटी की अगर बात करें तो क्वालिटी इस समय कैसा पहुंच रहा है इंदौर में? क्वालिटी ठीक आ रहा है। अच्छा सर, अभी जैसा कि दिल्ली मंडियों में भी एमपी का माल आ रहा है तो कलर डिसकलर ज्यादा आ रहा है, तो नहीं सर, इतने कलर वाले माल भी आ रहे हैं और अच्छे माल भी आ रहे हैं इंदौर मंडी में। ठीक है जी, बिक रहा है। अच्छा, अगर सर एक रेशियो निकालें, जैसे क्वालिटी हल्का हो गया, डिसकलर हो गया और सुपर हो गया, एक्स्ट्रा सुपर हो गया, तो किस किस हिसाब से एक एवरेज ये निकलेगा, रेशियो निकलेगा? सब थोड़ा थोड़ा सब बराबर ही आ रहा है, हल्का भी आ रहा है, एवरेज भी आ रहा है, अच्छा भी आ रहा है, सब बराबर आ रहा है। ओके, तो सर जी एक बार क्वालिटी के अकॉर्डिंग रेट बता दीजिए। जो हल्के माल है वो 30-32 रुपए बिक रहे हैं, जो एवरेज सुपर है वो 30-36 बिक रहे हैं। अच्छा। और जो सुपर माल है 36-40 बिक रहे हैं। ठीक है जी। तो सर जी ये जो सप्ताह स्टार्ट हुआ है अभी, तो मतलब सोमवार वाले दिन, मंगलवार वाले दिन भाव थोड़ा सा कुछ गड़बड़ था, डाउन था, तो अभी सर सोमवार बाजार लगभग सेम ही है सोमवार मंगलवार को, बल्कि बिक्री और अच्छी थी, अभी थोड़ी बिक्री कम हुई है। अच्छा, बिक्री कम हुआ है। और सोमवार मंगलवार के बाद भाव में क्या कुछ मतलब देखने को मिला फर्क सर, तेज हुआ है भाव या फिर स्टेबल? नहीं, लगभग स्टेबल बोलो या थोड़ा ढीला समझ सकते हैं। अच्छा, मतलब सोमवार मंगलवार ही बेटर था बाजार? हाँ, सोमवार मंगलवार ठीक था बाजार। अच्छा, ओके। और सर जी अभी क्या बांग्लादेश के लिए भी खरीदारी चल रहा है क्या आपके यहाँ से? हाँ, बांग्लादेश जा रहा है। जा रहा है सर, ओके। तो सर जी प्याज का बाजार अभी आगे और उठेगा या फिर अभी थोड़ा सा स्टेबल चलेगा सर? सर ऐसे कैसे बोल सकते हैं उठेगा, कि ये तो रेगुलर व्यापार होता है, उठने के लिए तो कोई उठ भी सकता है, क्योंकि साउथ में बारिश हुई है, हो सकता है पुराने की डिमांड निकल जाए। अच्छा, क्योंकि वो नया माल पहुंच नहीं पाएगा सही प्रॉपर। ठीक है जी। हाँ, और नहीं उठने को फिर बाजार तो अभी नहीं उठा हुआ है, क्योंकि पावर प्लांट नहीं है। ठीक है, मतलब चांस भी लग रहा है। और आगे, जो आगे बिक्रिया नहीं है भैया, आगे बिक्रिया नहीं है, नेफिट का माल पहुंच रहा है, सब सस्ता बिक रहा है। अच्छा, तो हम लोगों के पास ऑर्डर नहीं आ रहा है, कोई भी मंगा नहीं रहा, और कुछ जगह पे ऐसा है माल भी कम पहुंच रहा है तो भी बिक नहीं रहा है। अच्छा जी। हाँ, मतलब बिक्रिया ही नहीं है। ओके, और सर जी काफी दर्शकों का ये भी कमेंट आता है कि जो एमपी के माल और महाराष्ट्र के माल के अकॉर्डिंग रेट नहीं मिल रहे एमपी वालों को, और कई जने ये भी लिखते हैं कि जो एमपी का इसलिए रेट नहीं उठ पा रहा है कि जो व्यापारी भाई उठने नहीं दे रहे हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? व्यापारी भाइयों के हाथ में कुछ भी नहीं है जी। हाँ, व्यापारियों के हाथ में कुछ भी नहीं है, आगे यदि नहीं बिकेगा तो यहाँ पे कौन लेगा बताओ, कौन नुकसान करेगा? अच्छा। हाँ, यदि दो पैसे मिलेंगे तो आदमी उचक के पहले ही तो बंदर से उचक के यहाँ पे जी, आगे डिमांड हो तो 15 से उठ सकते, कोई इतना माल थोड़ी आ रहा है कि व्यापारी इनको रोक लेगा बाजारों को। अच्छा। हाँ, बाजार यहाँ रोका तो पहले बाहर रुक जाता है। ओके, हमारे हिसाब से तो, व्यापारियों के हिसाब से तो माल हर जगह महंगा बिकना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो ही उठता है बाजार। बिल्कुल। अभी अब हमने बंदा कर लिया तो बाहर पहले बंदा कर देते, हमारी तो गाड़ी 4-4, 5-5 दिन बाद पहुँचती है। अच्छा, कोई 8 दिन बाद भी पहुँचती है। ठीक है। फोन तो एक मिनट में पहुंच जाता है, फिर वहाँ पे बिक्रिया ही घूम हो जाती है मंडे में, तो बिल्कुल मंडी तो हमारे लिए और खतरनाक है। बिल्कुल सर, उसमें तो आप लोगों का और भी घाटे का सौदा होता है। हाँ,
तो सर जी अभी जो ये डिफरेंस आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है? जैसे महाराष्ट्र में कई बार ऐसा देखने को मिलता है एमपी से तेज बिक जाता है माल, और कई बार ऐसा होता है कि महाराष्ट्र की भाई साहब एक तो क्वालिटी का इशू है, क्योंकि उनकी साइज और क्वालिटी वो बहुत अच्छी है। ठीक है, मेरा माल तो साउथ भी जाता है ना, तो वहाँ से महाराष्ट्र से साउथ की क्वालिटी ज्यादा पसंद कर रहा है। अच्छा, उसके बाद उनके पास एक्सपोर्ट की लाइन है। ओके, वहाँ से एक्सपोर्ट हो जाता है। ओके, ऐसी बातें हैं, मतलब उनके पास सुविधा कई सारा है। अच्छा, उनके पास माल भी कम आ रहा है ना, अभी अराइवल नहीं है वहाँ पे। ओके, मतलब कई इसमें मतलब कई चीज देखने को मिल जा रहा है जिसके कारण एमपी के पास जो 700-800 ट्राली होनी चाहिए वहाँ 250 ट्राली हो रही है। ठीक है जी, ठीक है ना, उसके बाद फिर वो एक्सपोर्ट कर देते हैं जी। अभी हम भी महाराष्ट्र बात कर रहे हैं, भैया कहाँ की डिमांड है जी? तो बोले डिमांड तो कुछ भी नहीं है, ये गाड़ी नहीं बिक पा रही दिन भर में। अभी आज मेरे पास एक व्यापारी का फोन आया, बोला 8 दिन से गाड़ी लेकर रखी है, कोई मांग ही नहीं रहा। अच्छा, तो बाजार तो अराइवल कम होने के कारण टाइट है वहाँ। अच्छा, मतलब वहाँ पे कई सारे कारण देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपने बताया एक तो एक्सपोर्ट हो जाता है वहाँ से, एक्सपोर्ट है, फिर उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, साइज से बिकता है, क्योंकि पुराना प्याज अब साइज से ही बिकेगा। ठीक है जी, हाँ, पुराना प्याज अब क्या है होटलों में या फिर मोटे माल ही बिकेंगे। ओके, और सर जी अभी इन दिनों क्या आपका बात ये साउथ के साइड में हुआ है क्या, उधर फसल वगैरह कैसा है, और ये जो अभी बारिश हुआ है तत्काल में? अभी देखो हम लोग तो वहाँ जाते नहीं है, लेकिन सुनी सुनाई बातें ये है कि वहाँ बारिश हुई है। हाँ जी, हाँ जी, बारिश तो हुआ है सर, बारिश तो हो ही रहा है, सब जगह हो रहा है। बिल्कुल, अब फसल पे कितना इफेक्ट पड़ा है वो कोई प्रॉपर रिपोर्ट नहीं आ पा रही है। अच्छा, ये कब तक सर जी इसका मतलब जानकारी मिल सकता है कि जो उधर का फसल कैसा है या कुछ कितना दिन? साउथ तो मेरे ख्याल से 10-15 दिन ही चलेगा, उसके बाद तो फिर महाराष्ट्र और अलवर और आपका इंदौर ही चलेगा। अच्छा जी, और सर जी खंडवा साइड का प्याज का कुछ अपडेट है क्या? हाँ, खंडवा का प्याज सारा इंदौर ही आता है, वो 10-15 दिन में चालू हो जाएगा। 10-15 दिन में? ओके, तो अभी क्वालिटी वगैरह कैसा कुछ अपडेट है क्या? अभी तो क्वालिटी अभी कहीं की भी अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि बारिश हुई है तो 10-15 दिन के गैप में अच्छी प्याज आने लग गए, और खंडवा की प्याज में टाइम भी है। अच्छा, हाँ, और ये खंडवा का प्याज कितना दिन चलता है सर? वो तो चलता है भाई, सब अच्छा खासा चलता है। ओके, और सर जी खंडवा का प्याज का प्रेशर कौन से महीने में जाकर के देखने को मिलेगा? प्याज का प्रेशर भैया जनवरी में ही आए तो आए। ओके, हालांकि माल बहुत खराब है, हो सकता है डिमांड के कारण बिकते जाए और प्रेशर आए भी नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ, क्योंकि पुराना प्याज खत्म होगा तो फिर डिमांड रहेगी ना नए प्याज की। ठीक है सर, और सर जी आपके अंदाजे के अकॉर्डिंग एमपी में कितना प्याज रह गया होगा? इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है भैया। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, लोग तो बोलते हैं कि खत्म हो गया पर खत्म हो नहीं रहा। अच्छा, क्योंकि सर अभी कमेंट आता है, मेरा ये मानना है कि प्याज दिसंबर तक चलेगी। अच्छा, थोड़ी अराइवल हो सकता है कम हो जाए, लेकिन चलेगी। ठीक है जी, मतलब थोड़ा बहुत निकलता रहेगा। हाँ, ओके, तो सर जी एक बार शॉप नंबर कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। शॉप नंबर 263 जी, न्यू सब्जी मंडी इंदौर, मोबाइल नंबर 99972932। ओके जी, धन्यवाद सर। ओके।